हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए लेकर आया हूं। एक बहुत ही महान व्यक्तित्व हैं, दिव्य भव्य ब्रह्म परम स्वरूप बाबा जिंदानाथ डेरे के महंत बाबा बालकनाथ जी। महाराज श्री, आपका ज्ञान ज्योति दर्पण पर स्वागत है। जी, ज्ञान ज्योति दर्पण का धन्यवाद। महाराज जी, आप एक धर्म का संदेश देने वाले हैं, आपका नेम एंड फेम काफी विश्व के कोने कोने में फैला हुआ है। तो आज हम ये जानना चाहेंगे कि पहले तो धर्म का जीवन में महत्व क्या है। जी परवाना जी, धर्म ही जीवन है, जीवन ही धर्म है, कर्म ही धर्म है, धर्म ही कर्म है। हम लोग अपने नियत से जो भी कर्म करते हैं ना, धर्म मान के वो धर्म हो जाता है, जो धर्म मान के कर्म करते हैं वो कर्म हो जाता है। अब आप यहाँ पर देखो, उदाहरण के लिए जहां पर हम बैठते हैं, जिस जगह पर बैठते हैं, जी ये मठ बाबा दिंदा के नाम से जाना जाता है। अच्छा जी, कि बाबा दिंदा का ही इतिहास देख लीजिए आप हाँ लोग। जी, बिल्कुल सिंपल परिवार में जन्म लिया, हाँ बहुत सिंपल परिवार, जिम्मेदार परिवार, एक आली पाली थे, हाँ जिन्होंने कर्म को महत्व देते हुए हाँ जी, इतनी बड़ी ध्यात्मता प्राप्त की हाँ कि आज देखिए कोने कोने का आदमी यहां पर आता है। कैसे कि जैसे सिंपल परिवार से पैदा हुए ये, इन्होंने अपने परिवार से चाहे संगत वैसी रंगत की भावनाओं को सुनते हुए, जी साधु संतों का मान सम्मान करते हुए, ये तो केवल बाबा का जो आज बाबा जिंदा कहते हैं, जी घर का नाम इनका जसपाल था, अच्छा इसका मोई गांव का ही यहां का जन्म था, हाँ राणा गोती जाट कुल सिंह का जन्म था। अच्छा तो जैसे ये परिवार से ये जिम्मेदार थे, पशुपालक थे, पशु चराया करते थे, इनको पशु चराते चराते घूमते हुए कभी बाबा मस्तनाथ मिलते हैं, अच्छा और बाबा मस्तनाथ जिनको एक जैसे भगत सेवक का नाता होता है, हाँ क्या हो बैठो महाराज, आपकी क्या सेवा करते हैं, तो सेवा का नाम लिया तो बाबा जी की बात कहते हैं कि भाई हम तो खीर खाएंगे। हाँ जी तो उससे ये बड़े अचंभित हुए कि हाँ जी हाँ जी अचंभित होते हुए इन्होंने ये कहा, महाराज जी खीर कहाँ से लाऊं मैं, हाँ अब तो जंगल में पशु भी नहीं है। अच्छा जी तो महाराज जी को कहे कि नहीं तू भगत है, महाराज जी बात कहते इनको कि जननी जने तो लाल, बह दूध ना दे तो कमाल। अच्छा कि जननी कोई भी भगवान ने पैदा की वो लाल है जनेगी, हाँ भैंस तो कोई भी और दूध दे देगी। तो इनको एक ऐसी भैंस दिखाई देती है जो नहीं ब्याई, अपना बैल कह देते हैं समाज में। जी तो बाबा जी अपना करमंडल दे के इशारा करते हैं इनको के ले ये करमंडल, और बाबा का नाम लेके बैठ देख, वो बैठ दूध देती है। और बाबा जी करमंडल में जैसे जंगल का काम था वो तो वो था नहीं, खीर बनाने के लिए बात कहते हैं कि घर से चावल घर से लेके आएंगे, बाबा जी बोले नहीं भगत है तू यहीं बैठ जा। अच्छा जी तो उसमें जैसे करमंडल में अपने रखते हैं, जी तो दूध के पास में हड्डी पड़ी थी, बाबा जी उठा के हड्डी को डाल देते हैं, खीर बन जाती है। हाँ जो जसपाल था उसके मन में नफरत पैदा हो जाती है जी कि यार कैसा बाबा जी आई, हाँ इसने तो दूध में हड्डी डाल दी, दूध खराब कर दिया। जी और बाबा जी अपने प्रारब्ध जिसे कहते हैं पिछले जन्मों के अनुसार जी इनसे मिलने के लिए आए थे। अच्छा कि कहानी क्या थी, बाबा जी को अमर करना चाहते थे जैसे गोपी चंद भर्तृहरि अच्छा ऐसे, जी लेकिन ये भोले थे, सिंपल थे, बात को समझ नहीं सके। तो बाबा जी ने खीर बनाई, ने खीर दी कि खीर खा लेने के मन में नफरत की बात बैठ गई कि तो आड़ गाय दिए, एलर्जी बैठ गई मन में, द्वेष हो गया, नहीं मैं नहीं खाता। तरह तरह की बात करने लगे कि हम तो बाबा जी मेरे मास पिता है, कहते साधुओं की सेवा करेगा ना, हाँ जी साधु कभी खाया नहीं करते, हम नहीं खाते जी। जी तो उस बात पे आके बाबा जी जो पत्ते थे उन पर तोड़ के खीर रख के खा के चले जाते हैं। हाँ और बाबा जी के जाने के बाद मेरे को माया स्वरूप की भूख लगती है, जी जैसे बाबा जी जूठे पत्ते उठाते हैं और चाटते हैं, जैसे कोई उसका अन्न कण इनके शरीर में गया, जी इनको भक्ति और राग जागता है। अच्छा फिर ये पीछे पीछे बाबा जी के पास पहुंचते हैं स्थलभोर में, बाबा जी माफी मांगते हैं, उनका शिष्य बनते हैं। जी फिर वही बात कहते हैं कि मुझको जिंदे जी अमर करो। अच्छा तो बाबा जी उनको ये कहते हैं, वक्त बड़ा बलवान है, समय तो चला गया, एक काम कर तू, जहां मेरे को तू मिला था जी उल्टा चला जा, हाँ 14 के दिन धरती खुल जाएगी, अच्छा तू जिंदे जी समा जाएगा, डरिए मत, मैं जिंदे जी अमर करूंगा,
तेरे को अमर तो नहीं कर सका मैं, लेकिन जिंदे समाये बाबा जिंदा नाम से जाना जाएगा तू। अच्छा, इसलिए इसका नाम बाबा जिंदा पड़ा। अच्छा, ये पे धर्म की बात यही है कि देख कितना कर्म करते हो, यही धर्म है, धर्म किया तो कर्म भी बने। तो हमारे जो श्रोता, हमारे जो दर्शक पूरे विश्व के अंदर जो ज्ञान ज्योति दर्पण के ऊपर इसको देख रहे हैं, उनके लिए आज हम लेकर आए हैं बाबा जिंदानाथ की पीछे की कहानी। और श्री महंत बाबा बालकनाथ जी जो यहाँ आए कब, अब इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और पहले में और आज में क्या हुआ अंतरे इसे पहचानेंगे। तो महाराज श्री, आपका आगमन कब हुआ इस स्थान के ऊपर? मैं यहाँ पर नवंबर 1998 में आया था जी, और मेरे को यहाँ पर 22 साल हुए हैं। जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ की स्थिति दयनीय थी जी, बिल्कुल दयनीय। यहाँ पर इस प्रकार के लोगों का जमावड़ा था कि जितने भी एरिया के डिफॉल्टर आदमी होते थे जी, और सब यहाँ पर इकट्ठे होते थे। जितने डिफॉल्टर जिनके घर में कोई वैल्यू नहीं होती ना, हाँ जी, और सब यहाँ पर रहते थे। अच्छा, हम लोगों ने सबका सफाया किया, संघर्ष किया, उनसे लड़ाई लड़ी, आज भी लड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन इस जगह कभी झुकने नहीं देंगे, इसका नाम ही बढ़ाएंगे। हमारे यही प्रतिज्ञा है कि समाज की सेवा, धर्म की सेवा वही है, हम कर्म की सेवा करेंगे। जब भी धर्म की सेवा है हमारी, हमारा समाज ठीक है तो हमारा धर्म भी ठीक है। जब हमारा समाज ही ठीक नहीं, हमारा धर्म क्या ठीक रहेगा? बहुत सुंदर बात बताई आपने, जब हमारा कर्म ठीक नहीं तो धर्म कैसा, और धर्म नहीं तो कर्म कैसा। बिल्कुल, तो कर्म ही धर्म है। बिल्कुल है कर्म। तो कर्म, मैं बाबा ज्योति हुए, मैं जब यहाँ आया जी, सबसे पहले मैंने मेरी खेती शुरू की। अच्छा जी, इस खेती पे कुछ नाजायज लोगों का कब्जा था। हाँ हाँ, मुझे काफी संघर्ष के बाद, लड़ाई झगड़े के बाद ये जमीन मुझको मिली। अच्छा जी, और गांव का एक भगत है धर्मपाल। अच्छा, उसने मेरी सबसे बड़ी भूमिका निभाई डेरा बसने के अंदर। अच्छा जी, ऐसा व्यक्ति है वो कि उसने मैसी ट्रैक्टर अपनी जमीन पे अपने नाम लोन पे मेरे को लेके दे दिया। अच्छा जी, बड़ा भगत था। उसके रिश्तेदार भाईचारा सब खिलाफ बात भी सही है, लेकिन उस आदमी ने जो एहसान किया, मैं आज भी मानता हूँ उस बात को कि मैं कभी शब्दों से बुला नहीं सकता उस आदमी के एहसान को। उस लड़के की बदौलत ही आज हम इस मुकाम पे पहुंचे कि हमारे पास ट्रैक्टर भी है, सब कुछ है, ठाट है, कोई कमी नहीं किसी प्रकार से भी। आज हम एक उच्च आदमी में शामिल है।